बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 10th यूनिट 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर है जी 16.5 और टॉपिक का नेम है लॉजिक गेट्स। डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग, प्रैक्टिकल, हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। आप तमाम स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, आसान से आसान करके आपको समझा देंगे। बस शर्त यह है कि वीडियो लास्ट तक देखें, मेरी बातें गौर से सुने, समझें और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने से पहले तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी। डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट कुछ इस तरह से लेते हैं कि इससे पहले के लेक्चर में, पहले की वीडियो में हमने सिग्नल के बारे में पढ़ा था, बड़ी डिटेल में आपको पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, वो ज़रूरी है। तो सिग्नल हमारे पास दो तरह के थे, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो ये है हमारे पास एनालॉग सिग्नल। हमने यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस वोल्टेज ली थी और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने टाइम की बात की थी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज की वैल्यू में देखें कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, चेंज। देखें ना, यहाँ पे जीरो, फिर आहिस्ता देखें वैल्यू बढ़ते 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 यहाँ पे मैक्सिमम, फिर कम होते 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 यहाँ पे क्या होगी, जीरो, फिर इसी तरह से नेगेटिव में। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज की वैल्यू में कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, एनालॉग सिग्नल था। इसी तरह से दूसरा सिग्नल हमारे पास था डिजिटल। तो ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल है। इसमें भी हमने ये देखा था कि भाई जो वोल्टेज की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, सही है। देखें, या तो वैल्यू यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम, लेकिन फिर सडनली यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो। फिर देखें यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, यहाँ पे सडनली ज़ीरो। इसका मतलब डिजिटल सिग्नल में तो सिर्फ दो ही स्टेट्स हैं, मैक्सिमम ज़ीरो, मैक्सिमम ज़ीरो। तो किसी भी चीज़ में ये जो दो स्टेट्स मौजूद होती हैं, इनको आप बाइनरी वेरिएबल्स या बाइनरी स्टेट्स का नाम देते हैं, बस। तो यहाँ पे देखें डिजिटल सिग्नल में दो ही स्टेट्स यूज हो रही हैं, मैक्सिमम ज़ीरो। तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास बाइनरी वेरिएबल्स हैं, और यही डिजिटल सिग्नल आज के जो हम लॉजिक गेट्स पढ़ने जा रहे हैं उनमें यूज होगा, क्लियर। अब छोटा सा ना एक टेबल पहले यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि जब आप बुक में ये देखेंगे ना टॉपिक, तो वहाँ पर थ्योरी के डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, तो बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं कौन सी लाइनें याद करनी और कौन सी नहीं करनी। सर जी निशान लगवा दें, आपको निशान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यही का यही आप तैयार कर लें, यही पेपर में लिख के इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, सही है जी। तो ये पहले छोटा सा टेबल देखें। डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट सिचुएशन में ना डिफरेंट नेम्स इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब के टू स्टेट्स को। अब देखें, जैसे फर्स्ट स्टेट और यहाँ पर क्या होगी, सेकेंड स्टेट। यस, यस का उलट क्या होता है, नो। मतलब मैं आपसे कोई अगर एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये क्वेश्चन है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको आता है इसका आंसर या नहीं, यस सर नो में आंसर दें। तो आता होगा तो आप कहेंगे यस, नहीं आता तो फिर आप क्या बोलेंगे, नो सॉरी। तो देखें, यस आर नो, ये हमारे पास दो स्टेट्स हैं। इसी तरह से कहीं पर बोला जाता है हाई एंड लो। और अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रख देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि स्टेटमेंट को देख के बताएं कि यह स्टेटमेंट गलत है या सही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे, कि अगर स्टेटमेंट आपको ठीक लगता है तो आप कहेंगे ट्रू, अगर आपको गलत लगती है तो आप कहेंगे फॉल्स। तो देखें, ट्रू और फॉल्स, ये भी दो स्टेट्स हैं हमारे पास। इसी तरह से अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप आंसर दे रहे हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में यही ट्रू और फॉल्स को क्या बोला जाता है, वन एंड जीरो, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज वहाँ पर यूज होती है ना, वो तो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ के लिए आप वन एंड जीरो की बात करते हैं। इसी तरह से अगर कोई सर्किट है, उसके अंदर एक लैंप या बल्ब लगा हुआ है, जब वो ऑन होता है और फिर ऑफ होता है, तो ऑन का उलट क्या होता है, ऑफ। तो आपकी बुक ने इसी सर्किट की ही एग्जांपल लिया, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, और यही लैंग्वेज हम आगे यूज़ करेंगे। तो फिर उसको पहले यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास क्या है, एक सर्किट है, बैटरी, स्विच, और यहाँ पे क्या है, लैम्प। अब मुझे देखे बताएं कि इस टाइम ये सर्किट क्या है, ओपन है, देखे ना यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, क्लोज लूप नहीं बन रहा, तो सर्किट क्या है, ओपन। तो जब ये सर्किट ओपन है, तो क्या ये लैम्प जो लगा हुआ है, ये स्विच है, ये लैंप है, लैंप। अब देखें सर्किट क्या है, ओपन, तो सर्किट को आप देख के क्या कह रहे हैं, ओपन। उस टाइम लैंप क्या है, रोशन हो रहा है, नहीं, तो लैंप क्या है, ऑफ। तो ये देखें सर्किट ओपन, तो लैंप क्या है, ऑफ। तो लैंप को देख के आप ऑफ की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सर्किट को देख के आप क्या कह रहे हैं, ओपन, क्लियर। अब आप अगर इसको यहां से जोड़ दें, सर्किट को क्लोज कर दें, अब देखें सर्किट क्या हो गया, क्लोज। सर्किट क्या हो गया, क्लोज। पहले क्या था, ओपन,
ओपन का उलट क्या है, क्लोज, अब आपने जोड़ दिया। जैसे क्लोज किया लूप कंप्लीट हो गया, तो अब करंट फ्लो करेगा तो ये लैंप क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। इसका मतलब लैंप क्या हो गया, ऑन। देखें सर्किट ओपन था तो लैंप ऑफ था, सर्किट को क्लोज किया, क्लोज किया तो लैंप क्या हो गया, ऑन। तो ये देखें ऑन, तो ऑफ का उलट ऑन, ओपन का उलट क्लोज। सर्किट के लिए क्लोज्ड और ओपन की वर्डिंग यूज होगी या स्टेट्स बोलेंगे आप, और इसी तरह से लैंप को देख के बताएंगे तो फिर ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ये दो ही पॉसिबिलिटीज होगी ना। तो इस तरह से आप सर्किट के अंदर बात करेंगे। तो हम जो आगे लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, जब भी सर्किट की बात कर रहे होंगे तो फिर हम यही कहेंगे कि अगर स्विच ओपन है तो फिर लैंप क्या है, यहाँ पे देख के बताएं। स्विच अगर ओपन हो, यहाँ से मैं ऐसे कर दो तो अब क्या लैंप रोशन होगा, नहीं। तो स्विच ओपन तो लैंप ऑफ, सही है। अगर स्विच को क्लोज कर दें, यहाँ से जोड़ दें, तो फिर लैंप ऑन हो जाएगा। तो स्विच को क्लोज करने से लैंप क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ये आपकी बुक एग्जाम्पल लेती है। बाकी अगर आपको कोई ये वाली लैंग्वेज पसंद है तो आप ये भी दो स्टेट्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है, यही का यही बस आप जहन में रखें। इस तरह से करेंगे तो आसान लगेगा टॉपिक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक चीज समझाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, अगर हम कंप्यूटर की बात करें, क्योंकि देखें हम जो लॉजिक गेट्स पढ़ने जा रहे हैं उनके अंदर तो डिजिटल सिग्नल का यूज होगा, और वहां तो लैंग्वेज यूज होगी जीरो एंड वन। तो फिर जीरो एंड वन हमारे पास क्या है, बाइनरी डिजिट्स, सही है। इनको बाइनरी वेरिएबल्स का भी आप नाम दे सकते हैं। तो वन एंड जीरो कहें या जीरो एंड वन कहें, बस याद ये रखना है जीरो का मतलब है ऑफ, वन का मतलब है ऑन, क्लियर ना। तो जीरो एंड वन, ये इनको हम बुलियन वेरिएबल्स का भी नाम देते हैं। अब चाहें तो जो खासकर बॉयज हैं वो मेरी तरह इंग्लिश चबा चबा के जो पढ़ने वाले हैं वो इसको पढ़ेंगे बुलियन वेरिएबल्स, तो आप बुलियन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो इसको पढ़ती हैं बुलियन वेरिएबल्स, तो वो थोड़ा सा ना एडवांस तरीके से पढ़ती है। तो बुलियन वेरिएबल्स कहें या बुलियन वेरिएबल्स कहें, तो वो हमारे पास दो हैं, वन एंड जीरो। अब डियर फ्रेंड्स, इनका ये जो हमारे पास वन एंड जीरो डिजिट्स हैं, बाइनरी डिजिट्स, इनका नाम आखिर बुलियन वेरिएबल्स क्यों है। एक्चुअल में डियर फ्रेंड्स, जो हम लॉजिक गेट्स पढ़ने जा रहे हैं उनके अंदर इनको इंट्रोड्यूस कराने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, जॉर्ज बुलियन। तो अब उसके अपने नाम से इन डिजिट्स को बुलियन वेरिएबल्स या बुलियन अलजेब्रा कहा गया है। देखें अलजेब्रा, जब आप मैथमेटिक्स में अलजेब्रे की बात करते हैं तो वहाँ पे दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ होता है, लेकिन ये बुलियन अलजेब्रा ऐसा अलजेब्रा है जिसके अंदर सिर्फ दो स्टेट्स यूज़ होती हैं, दो वेरिएबल सिर्फ यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है। देखें दो स्टेट्स यूज़ हो रही है ना, दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, दो डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, तो लिहाजा इसका नाम क्या है, बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा ऐसा अलजेब्रा जिसके अंदर सिर्फ दो स्टेट्स यूज़ हों, दो वेरिएबल्स यूज़ हों, क्लियर जी। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से चल रहे हैं। अगर आप पूरी तवज्जो से मेरी बातें गौर से सुन लेंगे, समझ लेंगे, इंशाल्लाह टॉपिक अभी बैठे बैठे आपको तैयार हो जाएगा। अब देखें जी, लॉजिक गेट को पढ़ने जा रहे हैं तो लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल। पहले आसान से आसान अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठाएंगे, भाई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स दें लेकिन आपको आउटपुट सिर्फ और सिर्फ वो सर्किट एक ही दे, आउटपुट सिर्फ एक मिले लेकिन इनपुट्स जो हैं वो आप उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर एक या एक से ज़्यादा दें, तो ऐसे सर्किट को आप लॉजिक गेट्स या लॉजिक सर्किट का नाम देते हैं या ऑपरेशन भी कह सकते हैं। तो ये देखें लॉजिक गेट, लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन टेक वन आर मोर, मतलब एक से ज़्यादा दो इनपुट्स, बट आउटपुट विल बी वन। तो ऐसे सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आप लॉजिक गेट का नाम देते हैं, क्लियर। अगला एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो लॉजिक गेट हम पढ़ेंगे, ये लॉजिक गेट किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, तो फिर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन होता है जी डायोड्स, याद रखें ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और इसके साथ होते हैं जी ट्रांसिस्टर। अब इनके बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, बस आप सिर्फ दो नाम याद रख लें, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। लो जी 16.5 में बस आप यही चीज़ें याद रख लें, कोई आपको थ्योरी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो गया जी, देखें कितना आसान था। अब अगर आपको ये याद हो गया, ये बातें सारी आपको समझ आ गई है ना, तो अब जो आगे गेट्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको ऐसे बैठे बैठे अभी ऐसे समझ आ जाएगी, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, हमारे पास टॉपिक नंबर है 16.6। अब इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा एमसीक्यू,
तवज्जो से सुने डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि बेसिक लॉजिक गेट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, बेसिक का वर्ड यूज करें या कहें फंडामेंटल लॉजिक गेट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो फिर याद रख लें अपना बेसिक या फंडामेंटल गेट्स तीन है। नंबर वन एंड गेट, नंबर टू और गेट, नंबर थ्री नॉट गेट। ये जो तीन गेट्स हैं ना, ये वाले आपके पास बेसिक है, फंडामेंटल है। इसके आगे और गेट्स आएंगे, उनका नाम और है। फिलहाल ये याद रखें, बेसिक का या फंडामेंटल का जब वर्ड यूज करें तो आपने तीन ही कहने हैं। तो जिसमें से आज हम एक पढ़ने जा रहे हैं और वो है एंड ऑपरेशन या एंड गेट। क्लियर? अब कोई भी गेट आ जाए ना, तो उसमें डियर स्टूडेंट सिर्फ आपने चार बातें याद रखनी है, सिर्फ चार बातें। लॉन्ग आते हैं, आप यही चार चीजें लिख के आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और शॉर्ट में इन चार में से कोई एक दो चीजें पूछ सकता है आपसे। एमसीक्यू में कोई आपको वैल्यू दे के कोई आंसर पूछ सकता है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। बस आपने हर गेट के अंदर चार बातें जरूर 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 याद रखनी है, और वही लिख के आनी है। कैसे लिखनी है वो भी, जो कुछ मैंने लिखा हुआ है ऐसे कैसे लिख दें नंबर पूरे। अब देखें, सबसे पहली चीज होगी सर्किट डायग्राम। तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसी तरतीब से चलें तो बहुत अच्छी बात है। सर्किट डायग्राम होगी, फिर सिंबल होगा नंबर टू पे, और फिर तीसरे नंबर पे होगी बूलियन इक्वेशन या बूलियन इक्वेशन, और चौथे नंबर पे होगा ट्रुथ टेबल। हर गेट के अंदर बस ये चार चीजें आपने लिखनी है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं जी एंड गेट, और एंड गेट से हम पहले सर्किट डायग्राम देखेंगे एंड गेट की। तो ये है सर्किट डायग्राम एंड गेट, किसको रट्टा लगा ले, इसकी प्रैक्टिस कर ले। अब इस सर्किट में देखें, एक बैटरी है, दो स्विच यूज किए गए हैं S1 एंड S2, और ये दोनों स्विच के हैं सीरीज में, किसमें हैं डियर स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए, ठीक है। और यहां पे हमारे पास क्या है, एक लैंप है। तो इस तरह हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है। क्लियर? अब इस सर्किट डायग्राम में जो छेड़ पंगा आपने करना है वो यहां एक टेबल बना लें तो आपकी मर्जी, जैसे बुक ने बनाया, नहीं भी बनाएंगे तो ये टेबल जरूरी नहीं है, लेकिन ये टेबल बहुत जरूरी है, ट्रुथ टेबल। अगर ये बना देंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तब भी ठीक है, चल जाएगा। जो कुछ यहां पे करेंगे वही यहां पे लिख देंगे। देखें जी कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले देखें, ये पहला केस है कि दोनों स्विच क्या हैं, ओपन। देखें ना, स्विच की सर्किट के अंदर आप बात करेंगे ओपन और क्लोज्ड की, और लैंप को देख के बात करेंगे ऑन एंड ऑफ की, और जब ट्रुथ टेबल में आएंगे तो वन एंड जीरो की बात करेंगे। बस ये दो स्टेट्स हैं, थ्री सिचुएशंस में आप जो भी सिचुएशन आपको पसंद है वो यूज कर सकते हैं। अब सर्किट की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इस टाइम देखें, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हमें सर्किट दिख रहा है कि उसके अंदर दोनों स्विच जो है ये क्या है, ओपन। देखें ना, सर्किट क्या है, ओपन। तो ये स्विच भी ओपन, ये स्विच भी ओपन, तो हम लिख देंगे स्विच S1 भी क्या है, ओपन, स्विच S2 भी क्या है, ओपन। क्लियर? तो जब ये दोनों स्विच ओपन है तो यहां से क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं डियर स्टूडेंट्स, तो लैंप क्या रहेगा, रोशन होगा कि नहीं, नहीं, तो लैंप क्या रहेगा, ऑफ। तो ये देखें, स्विच ओपन तो लैंप ऑफ, तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि लैंप क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि इस स्विच S1 को हम कर देते हैं क्लोज और इसको रहने देते हैं ओपन। तो देखें, स्विच S1 क्या हो गया, अच्छा अभी इसको ओपन रहने दें, सॉरी जी ये इसको क्लोज कर दें, ठीक है, तरतीब से चले ना। स्विच S1 क्या है, ओपन, स्विच S2 को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो बताएं क्या अब लैंप ऑन होगा, नहीं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां से देखें लूप कंप्लीट ही नहीं हो रहा, जब तक लूप कंप्लीट नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगा, तो लैंप रोशन नहीं होगा। इसका मतलब अभी भी यहां पे कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब जब स्विच S1 क्या है, ओपन, देख सकते हैं ओपन, स्विच S2 क्या है, क्लोज, तो ये देख सकते हैं क्लोज, तो अभी भी लैंप क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो हम यहां लिख देंगे कि लैंप क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। क्लियर? अब जी अगली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, वो ये बन सकती है, इसका उलट कर दें, स्विच S1 को कर दें क्लोज यहां से और इसको कर दें ओपन। ये देखें, स्विच S1 अब क्या हो गया, क्लोज, ये हो गया क्लोज, स्विच S2 क्या हो गया, ओपन, ये हो गया ओपन। अब मुझे बताएं करंट फ्लो करेगा, नहीं, अभी भी यहां पे देखें लूप कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अभी भी लैंप क्या रहेगा, ऑफ, तो यहां लिख दें ऑफ। अब आखिरी मेरे पास कैटेगरी ये बनती है, सिचुएशन या पॉसिबिलिटी, कि मैं दोनों को ऑन कर दूं, अब इसको भी आप ऑन कर दें। अब देखें
S1 स्विच S1 क्या है क्लोज्ड, इसी तरह से स्विच S2 भी क्या है क्लोज्ड। अब लैंप रोशन होगा तो यहां से अब लाइट निकलेगी ही निकलेगी, तो इसका मतलब लैंप क्या हो गया ऑन, तो यहां पे आप लिख देंगे ऑन। लो जी सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लिख देंगे, थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये टेबल बना दें सही है। अब आ जाए सर्किट डायग्राम, तो आपको समझ आ गई कि क्लोज ओपन क्लोज ओपन की कहानी से लैंप पे क्या फर्क पड़ रहा था। अब आ जाए इसका सिंबल, तो ये है आपकी बुक में सिंपल डी, याद रखें एंड गेट में ये डी है बिल्कुल सीधी लाइन, और फिर आगे इस तरह से ये डी, और फिर आप देखें कि यहां पे एक आउटपुट की और यहां पे कहें दो इनपुट्स है। इनपुट्स को आप नाम दे देंगे डियर स्टूडेंट्स ए एंड बी, ए एंड बी। अब ए एंड बी इनपुट्स हैं ठीक, और ये जो आपके पास है ये क्या है आउटपुट। आउटपुट को चाहे आप नाम दें सी का चाहे दें एक्स का, एक्स बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक ने एक्स कहा है, लेकिन आप सी कह दें ज्यादा बेहतर है, ए बी इनपुट सी आउटपुट, तो बोलने में आसानी है, तो इसलिए आप सी भी कह सकते हैं। क्लियर जी, तो ये है आपके पास सिंबल, इसको आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या सकता है कि एंड ऑपरेशन का आप सिंबल ड्रॉ करें, तो आप यही का यही ड्रॉ करके आ जाएंगे। अब है तीसरी चीज बुलियन इक्वेशन। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैथमेटिकली, क्योंकि अगर हमने जारी सी बात है सर्किट से ना बताना हो तो कोई ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन हो जिससे हम ये सारा कुछ बता सके, तो वो हमारे पास बुलियन इक्वेशन है, और वो है जी ए डॉट बी, ए डॉट बी ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू सी, एक्स कह लें या सी कह लें, ये हमारे पास बुलियन इक्वेशन है। अब डियर स्टूडेंट्स तीन चीजें होगी, चौथे नंबर पर आता है ट्रूथ टेबल, ये है असल चीज, यहां पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ये ट्रूथ टेबल है। अब ट्रूथ टेबल कैसे बनेंगे, हमारे पास इनपुट्स हैं और हमें आउटपुट मिलेगी, वो आप सर्किट से भी देख के बता सकते हैं, सिंबल से भी बता सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन से भी बता सकते हैं। तो आखिरी बात है वो जरा समझ लें, यहां पर देखें जी जो कुछ आपने यहां पर किया है वही आप थ्योरी में लिखते जाए, सिर्फ थ्योरी इतनी याद कर लें बस बहुत है। देखें जी सबसे पहले हमारे पास स्विच S1 एंड S2 क्या थे, ओपन, दोनों ओपन थे ना, यही लिख दें, व्हेन स्विच S1 एंड S2 आर बोथ ओपन द लैंप इज, जब दोनों ओपन थे तो लैंप क्या था ऑफ, तो यहां लिख दें ऑफ। अब यही चीज ना आप बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी डिजिट्स में, जो कि ट्रुथ टेबल आपने बनाना है वो बाइनरी डिजिट्स का बनाना है, तो उसमें तो लैंग्वेज यूज होती है 0 एंड 1 की, तो यहां से देखें लैंप क्या है ऑफ, तो इसका मतलब यही चीज अगर आपको बाइनरी डिजिट में बतानी हो तो आप कहेंगे 0। तो आ जाए फिर इधर S1 का मतलब इनपुट ए, अब इनपुट ए क्या होगी बाइनरी डिजिट्स में 0। अच्छा उसके बाद बी आपके पास क्या है इनपुट है, तो बाइनरी डिजिट्स में ये भी क्या होगी 0। इसका मतलब जब स्विच ये ओपन, इधर से देखें ओपन, तो बाइनरी डिजिट्स में इनपुट क्या होगी 0। फिर अगला भी क्या है स्विच S2 ओपन, तो इसका मतलब फिर भी क्या आएगी इनपुट 0। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, देखो इनपुट क्या है 0 मतलब ये स्विच भी ओपन, बी 0 मतलब दूसरा स्विच भी ओपन। अब आपको आउटपुट क्या मिली है, यहां पे देखें 0 0 है, तो आउटपुट क्या मिलेगी, आउटपुट में यही मिलेगा कि लैंप ऑफ रहेगा। अब जब ऑफ रहेगा तो फिर क्या बोलेंगे उसको, उसको क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, 0 बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में। तो इसका मतलब यहां पे अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में ले जाएं। मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे ले जाएंगे, देखें ये हमारे पास ए क्या है 0, तो ये देखें इनपुट ए क्या है पहले 0, बी इनपुट क्या है 0, तो ये आगे 0। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दें, ये आगे 0 ये आगे 0, तो 0.0 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आएगा, तो सी का आंसर क्या आ गया 0, तो ये आगे 0, तो आउटपुट 0। अब आउटपुट 0 का मतलब क्या है, लैंप क्या रहेगा ऑफ, तो वाकई हमने देखा कि ओपन ओपन में लैंप ऑफ ही था, जहां से मर्जी चेक करेंगे देखें आंसर सेम आ रहा है, सही है जी। अब आ जाए अगली बात, व्हेन S1 एंड S2, अच्छा सॉरी S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज, मतलब ये दूसरे वाली सिचुएशन की बात कर रहा हूं, तो ओपन का मतलब 0 ये आ गया 0, क्लोज का मतलब 1 तो ये आ गया 1 बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में। अब मुझे बताएं 0 एंड 1 को जरा यहां पे मल्टीप्लाई करें, यहां पे ले लें जी 0 यहां पे ले लें 1, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई आंसर 0, तो यहां पे आउटपुट क्या आ जाएगी 0, सही है जी। अच्छा फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी क्लोज्ड, क्लोज का मतलब क्या है 1, तो यहां पे आ गया 1, आगे देखें
ओपन, ओपन का मतलब क्या है, ओपन का मतलब है जीरो, बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में, तो ये आ गया जीरो। उलट कर देना, जीरो वन है, अब वन जीरो की बात कर लेते हैं, तो फिर से यहां पे वन मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। सही है जी, यहां पे पुट करें, यहां पे पुट करें, एक ही बात है, वहां की बात करें एक ही बात है। उसके बाद जैसे चौथी कैटेगरी क्लोज्ड, क्लोज्ड तो इसका मतलब दोनों स्विच क्या है, क्लोज्ड। यहां पे भी इनपुट वन, यहां पे भी इनपुट वन। अब आप आ जाएं यहां, तो इधर भी वन, इधर भी वन, तो वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वन ही आएगा। तो इसका मतलब देखें, इनपुट ए भी वन, इनपुट बी भी वन, तो आंसर आएगा वन। अब इस वन का मतलब होगा कि अब आपको आउटपुट मिली है। सही है, मतलब लैंप क्या है, रोशन, ऑन। लैंप क्या है, ऑन। आउटपुट आपको मिली है, यहां देखें आउटपुट नहीं मिल रही, यहां आउटपुट मिल रही है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स जब आप जाएंगे तीसरी और चौथी कैटेगरी में, तो वही थ्योरी में यहां लिख देंगे। तीसरी कैटेगरी में देखें स्विच S1 क्या है, क्लोज, तो ये देखें क्लोज। इसी तरह S2 क्या है, ओपन, तो ये क्या है, S2 ओपन। अच्छा, उसके बाद आपको यहां पे लिख दें ऑफ, और इधर आ जाएं जी S1 क्लोज, S2 ओपन, तो यहां पे भी लिख दें ऑफ। फिर आ जाएं व्हेन बोथ S1 एंड S2 दोनों क्या हैं, दोनों वन वन मतलब ऑन, तो फिर आपके पास लैंप भी क्या रहेगा, वो ऑन रहेगा। देखें आउटपुट मिल रही है। यही थ्योरी आप सिर्फ इस ट्रूथ टेबल को देख के मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, जो काम आप सर्किट में कर रहे हैं वही लिख दें बस, एक एक लाइन, तो ये आपका लॉन्ग तैयार हो जाएगा। ये था ट्रूथ टेबल। अब आप, मैंने तो आपको वहां से एक एक चीज बताई है ना, थोड़ी देर लग गई है, आप सिर्फ और सिर्फ जहन में रट्टा मार लें, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, वन वन वन। कैसे रट्टा मारेंगे, इस इक्वेशन के जरिए। इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ए डॉट बी मल्टीप्लीकेशन है, तो जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, वन वन वन, खत्म कहानी। और इन्हीं के मुताबिक फिर यहां पे आप थ्योरी लिख दें, ये चार लाइनें, टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर जी, ये थी डियर फ्रेंड्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन। देखें बड़े ही आराम से चले हैं, एक एक चीज आपको तरतीब से समझाई है, तरतीब से आप चलेंगे तो चीजें आपको समझ भी आ जाएंगी, चीजें आसान भी लगेंगी। तो इस तरह आप इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और एंड नॉट गेट। तो हमें दुआ में अपनी जरूर याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।